हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक सॉफ्टवेयर कॉल्ड KDN Live को इंस्टॉल किया जाए, जिसके हेल्प से आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। और ये बहुत सारे फीचर्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि एक मल्टी ट्रैक एडिटिंग को सपोर्ट करता है, जिसके हेल्प से हम ये कर सकते हैं कि मल्टीपल वीडियोज़ को सेलेक्ट करके, आप उस इंटरफेस में सेलेक्ट करके उसके साथ हम एडिटिंग करके एक सिंगल वीडियो ट्रैक बना सकते हैं। और इसमें बिल्ट इन बहुत सारे टूल्स हैं, जिसके हम हेल्प से हम किसी पोर्शन ऑफ वीडियो को सेलेक्ट करके हम उसको कहीं और पेस्ट कर सकते हैं, उसको क्रॉप कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसके ऑडियो को उस वीडियो से अनग्रुप करके उस ऑडियो को रिमूव कर सकते हैं। मतलब जो वीडियो के बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ चल रही है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, और उसमें कोई इमेज को एडिट कर सकते हैं, किसी भी इमेज को हम वहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, किसी को रिमूव कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे कस्टम इफ़ेक्ट्स हैं और ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, और इसमें सिग्नल प्रोसेसिंग भी है, जैसे कि इसमें से नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इसमें विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं। तो विजुअल इफ़ेक्ट्स जैसे कि बहुत सारे फेड इन फेड आउट और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, मैं आपको ये आगे के लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले तो आपने अगर इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले तो अपने ब्राउज़र को ओपन करके आप सीधा KDN Live अपने ब्राउज़र पर टाइप कीजिएगा। तो आप इस वेबसाइट पर जाके, अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आपको तो यहाँ पे जाके अपना इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे डाउनलोड कीजिए और अपने सॉफ्टवेयर अपने PC में इसको इंस्टॉल कीजिए। और इसके बाद ये अभी ये करंट वर्जन है इसका 20.04.1, बट अभी मैं तो काली लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को इस वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली अपने टर्मिनल से इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो sudo apt इसकी कमांड है KDN Live, ओके। तो क्योंकि मैंने ये डायरेक्टली ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे ये शो करेगा ऑलरेडी इन न्यूएस्ट वर्जन। सो मेरे को ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया है तो मेरे को दोबारा ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और ये यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने PC में, ओके। सो अब मैं आपको इसके इंटरफेस से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो सपोज़ मैंने कोई एक फाइल अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे, तो सपोज़ ये फाइल है मेरे पास, ये ऑडियो वीडियो फाइल है, तो इसको बस आपने ड्रैग करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, तो अपना इसको बस ऐसे उठा के यहाँ पे अपने पेस्ट कर देना है, ओके। तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी ये किया हुआ है तो मेरे को दोबारा नहीं कर रहा, ये ओवरलैप रहेगा। तो आप बस इसको प्ले करने के लिए अभी मैं यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ। तो ये बटन ये प्ले हो रही है, और इसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा कि कैसे इसमें अलग अलग इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कैसे हम इसमें कॉपी पेस्ट कट का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसमें विजुअल इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कैसे हम इसमें मल्टी ट्रैक एडिटिंग कर सकते हैं। और तो ठीक है, बस इस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये सारे इफ़ेक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे फीचर्स को अप्लाई किया कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या फिर कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।